साजो अल्लाह नूर समावत वल अर्थ मसल नूर ही का मिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الامثال للناس الله تعالى نے एक खूबसूरत मिसाल थी। इस आयत को आयत नूर कहा जाता है, सूरह नूर इसी के नाम पर नूर कहलाती है। 18वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अपने नूर की मिसाल देता है। ये नूर कहाँ जमा होता है, किस चीज़ से चमकता है, ये बात करके फिर मैं अगली बात। एक मिसाल मैंने आपको दे दी कि सूरज के आगे बादल आ जाएँ तो रोशनी है, लेकिन आगे पास नहीं हो रही, अंधेरा छा जाता है। अंधेरा आता है, देखने की ताकत ख़त्म होती है। देखने की ताकत जितनी कमज़ोर होती है, फैसले की ताकत उतनी ही कमज़ोर हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मसल नूर ही का मिश्कातिन फीहा मिसबाह, के अब तो वो ज़माना नहीं रहा जब बिजली नहीं होती थी तो दीवारों में एक ऐसे खड्डा सा होता था, उसमें चिराग रखा जाता था। वो खड्डे में चिराग रखने की वजह ये थी कि उसकी रोशनी खड्डे की दीवारों से टकरा के बाहर निकले तो ज़्यादा रोशनी फैलाती थी, और वैसे यहाँ जला दिया जाए तो उसकी लौ इतनी कमज़ोर होती थी कि वो मद्दा, हमने तो वो ज़माना देखा हुआ है अपने बचपन में। हमारे गांव में बिजली नहीं थी तो ऐसे वो दिए जलते थे, उसमें तेल डलता था। तो जब वो एक खड्डा बनाते हैं जिसको ताकचा कहते हैं और अरबी में मिश्कात कहते हैं, तो उसमें जब रोशनी दीवारों से करीब इस तरह होता था टकराती है, टकरा के निकलती है तो उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है और वो थोड़ी सी मस्जिद की कमरे की उसमें रोशनी में इजाफा हो जाता। तो अल्लाह ताला ने तशबीह दी इंसानी जिस्म को, ये सीने को, एक ताकशे के साथ। फीहा मिसबाह, उसमें एक चिराग है। सुभानअल्लाह, वो चिराग क्या है? वो ईमान है, वो ईमान है। अल मिसबाह फी जुजाजा, उस चिराग, वो चराग कहाँ है? क्या वो शीशे में है? ये जो लालटेने तो देखी है ना आप लोगों ने, और लैंप तो शायद नहीं देखी होंगे, लालटेने देखी होंगी। जब हमारे यहाँ बिजली नहीं होती थी तो असर के बाद एक नौकर का काम ये होता था कि वो सारी लालटेने और सारे लैंप निकाल के उनके शीशों को साफ करता, चमकाता था, क्योंकि जितनी शीशे में चमक आती थी उतना रोशनी का इनकास और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता था। तो उसका नाम फरीदा था, फरीदा। तो मुझे आज भी अपनी माँ के आवाज़ की आवाज़ का, वे फरीदा, वो लालटेना साफ़ कर, लैंप साफ़ कर। हमारे वालिद के कमरे में लैंप होता था और हमारे कमरों में लालटेने होती थी, तो उसको चमका रहा होता था और साफ़ कर रहा होता था। तो जब उस पर धब्बे होते हैं तो रोशनी उसके अंदर सिमट जाती है कि वो धब्बे उस रोशनी को निकलने नहीं देते। तो अल मिसबाह फी जुजाजा, वो जो ईमान, वो जो मिसबाह, वो जो चराग है, वो ईमान है, वो एक शीशे में है। वो शीशा कौन सा है? वो शीशा दिल है, दिल है। वो दिल कैसा है? कअन्नहा कौकबन दुर्री, वो इतना चमकदार है कि उसमें ना किसी का बुग़्ज़ है, ना किसी की नफ़रत है, ना किसी से हसद है, ना उसमें किसी कबीरा गुनाह का धब्बा है, ना दाग है। तो ऐसा चमकता है जैसे सितारा चमकता हो। तो जब वो ईमान की शमा उस शीशे के
खौल में आती है तो उसकी रोशनी दुगनी तिगनी हो जाती है। यू कदमिन शजरतिन मुबारका, इसमें तेल कौन सा डलता है? इसमें तेल ये डलता है जिसको जैतून से तशबीह दी है, वो ये मेरे रब का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है। इसमें जो इल्म है वो उस ईमान के चराग का तेल है, और वो चराग दिल के शीशे में है। दिल के शीशे पे दाग धब्बे होंगे, रोशनी बंद, लिहाजा आलिम हो के भी अंधा होगा और जाहिल हो के भी अंधा होगा। इल्म के बावजूद ज़िंदगी नहीं बदलती कि दिल पे दाग हैं। और बता दूं, सबसे बड़ा दाग, सबसे ज़्यादा जो बादल जो सूरज को रोकता है वो काला बादल है। काला बादल आते हैं, हल्के फुल्के भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, कोई थोड़े से सुरमई होते हैं, लेकिन जो काला बादल होता है वो बिल्कुल सूरज की रोशनी को बंद कर देता है। दिल के दाग में सबसे बड़ा धब्बा, सबसे बड़ा धब्बा वो लोगों से नफरत और बुग़्ज़ है। इससे बड़ा धब्बा और कोई नहीं है। जब ये लोगों के बारे में मनफी सोचेगा, नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, अपने आप को सुपीरियर समझेगा, बड़ा समझेगा, तो इसके दिल के ऊपर इतने गहरे बादल आएंगे कि इल्म की शमा की शुआएं बाहर नहीं जा सकेंगे, अंदर ही दफन हो गए। जैसे आप लैंप के शीशे पर काला पेंट कर दो तो फिर उसका जलना ना जलना बराबर हो जाता। तो दिल पर धब कल्ला बर्रान अला कुलूबहिम मा कानू यकसिबून, रैन दाग, इनके दिलों पे दाग लग गए जो कुछ ये करते थे। तो बड़े गुनाहों के भी दाग लगते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सबसे खौफनाक धब्बा और दाग वो है इंसानियत से नफरत, चाहे वो फ़िरकावारियत की बुनियाद पर हो, मज़हब की बुनियाद पर हो, कौमियत की बुनियाद पर हो, किसी झगड़े की बुनियाद पर हो, किसी इख्तलाफ की बुनियाद पर हो।